हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, जिस लेवल का हम लोगों को इंतजार था वो लेवल आ चुका है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को 7.5% से ज़्यादा का तेजी जो है फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, और स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को डेली और वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 9.5% के गेन के साथ क्लोज हुआ है, और लास्ट वन मंथ में स्टॉक जो है 19.4% ऑलरेडी गेन कर चुका है। तो चलिए अब इस स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। टेक्निकली अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे क्लियरली अगर बात करेंगे, हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे थे कि स्टॉक जब तक आपको 21-22 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे स्टॉक ने अक्टूबर नवंबर में भी इस लेवल पे क्लोजिंग नहीं दिया था, 20 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था। रिट्रेसमेंट हुआ, स्टॉक टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद अभी जो है यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक के वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम में भी हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2023 में जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको इसी वीक में देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो इस स्टॉक में अब सबसे पहला आपका टारगेट होने वाला है। स्टॉक में जो आपका सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 35 रुपीज़ का टारगेट, जो कि इस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 34 रुपीज़ 75 पैसे। ये आपको इस स्टॉक का पहला टारगेट होगा, और स्टॉक अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे जो है स्लो एंड स्टडी स्टॉक में हम लोगों को इस लेवल तक एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उसके बाद वापस से जो है स्टॉक कुछ टाइम स्पेंड करके इस लेवल के ऊपर भी आपको सस्टेन करेगा, तो हम लोगों को स्टॉक में 100 रुपीज़ तक का एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो क्या इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग आपको यहाँ पे करना चाहिए। आपका SL जो है 15 रुपीज़ के नीचे होगा वीकली, अगर इस पे स्टॉक 15 रुपीज़ के नीचे क्लोज दे देता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक स्विंग लगाया है। आपका SL ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड स्ट्रेट वे आपके पास जो है 1:2 का टारगेट है, और एक बार 35 के लेवल के ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो फिर इस स्टॉक में जो है और भी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ऑलमोस्ट इस स्टॉक को जब हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट किया था 9-10 रुपीज़ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से 100% का रिटर्न इस स्टॉक में मिल चुका है। ऊपर की साइड जो है स्टॉक 35-36 के लेवल को शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर टच कर सकता है, और उसके बाद वापस से वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद 50 और फिर 100 के लेवल को भी स्टॉक टच कर सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।